क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन हम बेटे स्टार्ट कर रहे थे लास्ट टाइम, एंड इट वाज इंडिकेटिंग दैट आपको एक बुलेट दिया गया है ऑफ मास 10 ग्राम. आज आपका दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 14. पुत्र, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. एक बुलेट आपको दे रखा बेटे, ये वाली प्लीज लाइट बंद कर देना, इसका भी थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा. आपको दिख रहा है ना अच्छे से सबको? ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मास बेटे बुलेट का जो है दैट इज गिवन टू बी 10 ग्राम बेटा, और इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड. इसकी बेटे जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मैं कह देता हूं, दिस इज गिवन टू बी 150 मीटर पर सेकेंड. डियर चिल्ड्रन, इट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. ये एक वुडन ब्लॉक के साथ स्ट्राइक करने के बाद कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स. कम्स टू रेस्ट का मतलब है इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा बेटा. और डियर चिल्ड्रन, टाइम आपको 0.03 सेकेंड्स का दे रखा है ना बेटा. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इन टू द ब्लॉक. ये मैं थोड़ा डायग्राम बनाकर आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ. ये इमेजिन कर लीजिए, आपको एक वुडन ब्लॉक दिया गया है एंड यू आर ऑल्सो गिवन ए बुलेट, ए स्मॉल बुलेट, एंड इट इज बिटे मूविंग एज सच. जब ये यहाँ पे आकर स्ट्राइक करेगी तो ये आपके वुडन ब्लॉक के अंदर इस डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करके रुक जाती है. राइट बेटा, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट. एक तो आपको बेटे निकालना था रिटार्डेशन, है ना बेटा, रिटार्डेशन ही कहा है ना उन्होंने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी रिटार्डेशन नहीं कहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है जब वो आपका बुलेट रेस्ट पे आ जाएगा और आपको एक फोर्स आपका वुडन ब्लॉक कितना अप्लाई करेगा इस बुलेट के ऊपर. दिस इज आल्सो बेटे डीबी बेटा. सबसे पहली बात होती है आप इन यूनिट्स पे फोकस करते हो कि क्या ये सारे यूनिफॉर्म हैं, और यहाँ पे ये ग्राम्स में है, बाकी सारे एसआई सिस्टम में है, तो वी हैव टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू बेटा किलोग्राम्स. तो ये आपके पास इतने किलोग्राम का हो गया बेटा. हाँ जी पुत्र जी, 1/100 kg लिख दें या 10^-2 kg भी लिख सकते हो आप बेटा, है ना बेटे कि नहीं, लिख सकते हैं. आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए रिटार्डेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे. आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है, तो रिटार्डेशन आई थिंक निकल जाएगा. आप कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो, फर्स्ट में यूज कर सकते हैं ए निकालने के लिए, दैट इज बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना बेटा. और आपको निकालना क्या है ए बेटे, और ध्यान से देखिएगा, बी माइनस यू ए टी हो गया, ए हो गया बी माइनस यू अपॉन टी. डियर चिल्ड्रन, बी आपका जीरो, ए कितना था 150, सॉरी यू, है ना, टी कितना है बेटा, ठीक है जी. अब इसको थोड़ा सा हम बेटे सॉल्व कर लेते हैं, एंड लेट अस फाइंड व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर. आपके पास बेटे रिटार्डेशन आ जाएगा -150. इसको बेटे जरा देखिएगा, मैं ऐसे लिख दूं कि रहने दूं, लिख सकते हैं ना. फिर ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा पावर, आपको दिख नहीं रहा, रिटार्डेशन जो है -150/3. मैंने 0.03 को, चलिए बेटे आपके लिए भी आसान हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है. ये 0.03 था ना बेटा, इसको मैंने 3/100 लिख दिया. आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी पुत्र, क्लियर है ना.
ये 100 ऊपर जाकर ऐसे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, 150, 100 एंड 3 पुत्र, एंड ए विल बी इक्वल टू 3, ये आ गया बेटा -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा जी आपका रिटार्डेशन आ गया। ठीक हो गई बात पुत्र जी? अब आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस के लिए बेटे कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं हम, थर्ड भी और फर्स्ट सेकंड भी, कोई भी लगा लो, है ना बेटा? तो आप करोगे, खुद करोगे एक बार, ट्राई करना चाहिए बेटा, देखिए करके जरा। कि मैं कर दूं बेटा, बोलो कर दूं मैं? चलिए मैं ही कर देता हूं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और S इज इक्वल टू 150 एंड टी था 3/100 प्लस 1/2 -5000, टी था 3/100 इंटू 3/100। जरा चेक कर लीजिएगा, ऐसा ये कोई टर्म कम या ज्यादा तो नहीं लिखी गई बेटा? ऑल राइट है। सो ये देखो बच्चों, एक जीरो यहाँ पे कट गया और आपके पास एस बन गया 15 × 3, और प्यारे बच्चों देखो ये दो जीरोस ये गई, एक ये चली गई, और 5 को मैं इधर कर दूं कि रहने दूं, 5 × 2 = 10 कर देता हूं, है ना? 15 × 3 -3 × 3 9/4 आ गया बेटे, ऐसा ही आ रहा है, 45 -9/4 दिस इज लेट मी रीराइट इट। एस आपके पास 171/4 अकेला 5 नहीं आएगा, चेक करिएगा। अच्छा एक जीरो यहां मिस कर दिया बेटे हमने, देखो ये जीरो हमने मिस कर दिया बेटा, देखो गलती पकड़ी गई टाइमली, थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा हमें, ये जीरो हमारा एक नीचे था बेटे, ये हमने मिस कर दिया, इट मस्ट बी 10, है ना बेटा? तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा दोबारा, 15 × 3 45/10 था ना बेटा, ये 10 आपका मिस हो गया। डियर चिल्ड्रन, एस विल बी इक्वल टू 45/10 -9/4, जरा चेक करिएगा बेटा सारे पैरामीटर्स पूरे हैं। चेक करिएगा तो इज इट देयर और नॉट बेटा, बन रहा है इतना? ये वाला तो बेटे 45/20 था ना, कौन से वाला? ये वाला, इसमें मैंने 10 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, 4.5/2 आ गया, देन इट मस्ट बी 2.25, चेक कर लीजिएगा बेटा। डियर चिल्ड्रन आंसर मैच कर लीजिएगा बैक साइड पे, एंड इसके बाद बेटे आपको फोर्स भी निकालना है। मिलन, फोर्स कैसे निकालें? हाँ
हाँ जी वो आप बताओ बेटा, आप बता दो किसका मास, बुलेट का मास, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, रिटार्डेशन एक मिनट में कैलकुलेट कर लीजिएगा, रिटार्डेशन एफ जो है एम इंटू ए के बराबर होगा, एम आपका 1/100, ए आपका -5000 और ये आपका -50 न्यूटन आ जाना चाहिए, चेक करिएगा बेटा, चेक इट आउट पुत्र, राइट बेटे, न्यूमेरिकल सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया, कोई भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, रिटार्डेशन वर्ड लिखा होगा फिर उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा होगा ना, ठीक है वो एक ही बात है, रिटार्डेशन का इटसेल्फ मतलब यही कि आपने नेगेटिव साइन लिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा पहले बेटा, बाकी बाद में करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16 बेटा, डियर चिल्ड्रन लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस। अच्छा बेटे एक बात और आपको बता दूं, अब सारे आप प्रेजेंट ही हो बेटा, नेक्स्ट वीक तक आप अपनी नोटबुक्स रेडी कर लेना सेकंड चैप्टर की बेटे, फिर मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा कैसे आपने भेजनी है, देन वी विल बी चेक, ठीक है बेटे, कल देखो संडे है, आराम से बैठ के जितना आपका काम पेंडिंग पड़ा होगा कर लेना, एक्सरसाइज जरूर कर लेना, ठीक है बेटा, बाकी तो काम आप साथ साथ कर ही रहे हो ना, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना, और अदरवाइज बेटा एक दो दिन में आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आपको पता है आपकी कॉपीज मैम भी चेक किया करते हैं, प्रिंसिपल मैम, तो उन्होंने आपकी कॉपीज किसी भी बच्चे की मंगवा भी सकते हैं, और हाँ जी पुत्र कॉपीज मंगवाई हुई है, किन की, सिंह की, आपका रोल नंबर 27, आई थिंक 37 भी था कोई बच्चा ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है पहले आप करवा लेना चेक मेरे से, बाकी बाद में नेक्स्ट डे कर दूंगा, ठीक है जी, बिना चेक किए मत भेजना फिर अच्छा नहीं लगता। 15th बेटा है, 16 कर रहे हैं बेटा, 15 नहीं कर रहे, ओके, लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू पीपल बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, आपको सबसे पहले बेटा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, दिस इज 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 m/s टू 8 m/s, इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 m/s, फाइनल 8 m/s, देन टाइम इज 6 seconds बेटा, आपको 6 seconds में इतना वेलोसिटी में चेंज देखने को मिल रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको डियर चिल्ड्रन पी आई निकालना है, आपको डियर चिल्ड्रन पी फाइनल निकालना है, एंड साथ ही साथ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा ये भी निकालना है। यस बेटा वत्सल बोलो पुत्र, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कैसे निकालें, इस तरफ बच्चे बैठे हैं जसकरण, अनुष्का, अश्मित, हरसिमरन, कृतिका, मेहर, पनिका, वैभव, वंशिका, भविष्य, जसकरण, अर्चिता एंड हिमांशु, और यस बेटे ये स्टूडेंट्स हैं, आपको आप भी बेटे बता सकते हो आंसर्स, एनीवन फ्रॉम योर साइड आल्सो, उठ जाइए पुत्र, पी इनिशियल एम इनटू यू, वेरी गुड बेटा, इनिशियल मोमेंटम बच्चों आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू इनिशियल वेलोसिटी हुआ करता है, मास आप लोगों को बेटा ऑलरेडी पता ही है जी, मास इज 100, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 500 आ गया बेटे, एनीवन फ्रॉम योर साइड्स रिगार्डिंग द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वेरी राइट। हमें कैसे पता चलेगा, मास के किलोग्राम इसके मीटर पर सेकंड, ऐसे ही लिख दिए, कुछ नहीं चेंज किया, राइट। देन बेटा फाइनल मोमेंटम, मिलन प्रीत सिंह, फाइनल मोमेंटम, हाँ जी, अरे नहीं अब बड़ा एम नहीं लेके आना, बस फाइनल ही है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू इट्स फाइनल वेलोसिटी, दैट्स ऑल। कोई चीज कंबाइन थोड़ी हुई है बेटे, जब वो आपको कहे ना कि आफ्टर कोलिजन या आफ्टर द प्रोसेस टू ऑब्जेक्ट स्टिक कर रहे हैं तब आप मासेस ऐड करते हो, ऐसे ही थोड़ी कर देने हमने मासेस, ठीक। मास आपका था ऑब्जेक्ट का 100 और फाइनल वेलोसिटी बेटा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। अब आपको निकालना है फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स के लिए उत्तर क्या करें, एक्सेलरेशन कर लेना चाहिए कैलकुलेट, या आप, हाँ जी पुत्र जी बोल दीजिए, वेरी राइट, वेरी राइट बेटा, आपकी बात मान ली हमने, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, आपने इसी को न्यूटन सेकंड लॉ यहां से ही डिस्कस भी किया था। अब आप लोग वैल्यूज पुट करिए, मैं देखूं आपका कैलकुलेशन वर्क कितना फास्ट है और एक्यूरेट है, इट इज 50 न्यूटन, बहुत बढ़िया जी। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ये 800 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये 500 ओवर 6 बेटा, फोर्स बन गया 300 ओवर 6, 50 न्यूटन, आई थिंक सबका आ रहा है उत्तर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट बेटा, वत्सल सुस्त लग रहे हो अभी तुम आज, क्या हुआ, ऑल वेल। देन बेटा डियर चिल्ड्रन प्रॉब्लम नंबर 18 करूं स्टार्ट में, ये हो गया सारे स्टूडेंट्स का, कोई मुश्किल वाली बात है तो बताइए, हाँ जी बेटा जी चले आगे बेटा, प्रॉब्लम नंबर बेटा 18, आइए देखें क्या है, इसको सॉल्व करके देखें, एटींथ में हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 किलोग्राम, डंबल का मास 10 किलोग्राम आप लोगों को दिया गया है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर If it falls from a height of 80 centimeters, take the downward acceleration to be 10 meter per second square. Downward acceleration आपका g के बराबर जो होता है, उन्होंने कहा कि इतना ले लीजिए। जरा पहले बेटे मतलब समझे क्वेश्चन का, वो कहना क्या चाहते हैं, एक डंबल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है या डंबल ही है, वो जो लोग वेट उठाते हैं कुछ, उसको बोलते हैं ना डंबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कुछ इस तरीके का ही होता है, ऐसा ही होता है ना बेटा डंबल, वो आई थिंक जो आप हैंड से वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हो, आपको आई थिंक एक्सरसाइज भी करवाते होंगे सर, आपके फिजिकल वाले सर करवाते हैं ना, वो आपको वुड के बनाए हुए दे देते हैं, अच्छा आपने कभी नहीं किया, चलिए जब आप जाएंगे फिजिकल एजुकेशन का पीरियड लगाने तो सर आपको करवाएंगे एक्सरसाइज, तो यू विल एंजॉय इट, ठीक है जी। ये डंबल है, इसको 80 सेंटीमीटर की हाइट से नीचे गिरा दिया गया है, जब ये नीचे गिरेगा तो ये कितना मोमेंटम ग्राउंड को ट्रांसफर कर देगा, ये नीडेड है, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब ये गिरेगा ग्राउंड पे, जितना भी इसका फाइनल मोमेंटम होगा दैट विल बी ऑल
कन्वेड टू द ग्राउंड और द अर्थ। मान लीजिए ये मेरे पास चौक का पीस है, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, जितना ये यहाँ मेरे हैंड के साथ आकर स्ट्राइक किया, जितना इसका फाइनल मोमेंटम था वो सारा इसने मेरे हैंड को दे दिया। सो इज द केस विद दिस डंबल, जितना भी डंबल का मोमेंटम होगा वो सारा ग्राउंड को ट्रांसफर कर देगा, राइट? हाँ जी पुत्र, इम्पैक्ट, यस। इसमें ये हाइट को आपको मीटर्स में बदलना पड़ेगा, ये जरूरी है। ये आपके पास आ गया 80/100 meters। डंबल को बेटे एक बार वत्सल देखना, स्टेटमेंट का बिगनिंग क्या था पुत्र? यस 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 यस, इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट, इसका मतलब है यहां से जीरो वेलोसिटी से इसको फॉल करवाया गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने इसको जी ऐसे धक्का देके नीचे गिराया है, ऐसा नहीं कहा, फॉल्स कहा है। यहां पे वेलोसिटी आपको पता है, यहां पे आपको पता है, नहीं पता है ना? तो मास आपके पास है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आप निकाल लोगे, इनिशियल तो जीरो ही होगा, जितना इसका फाइनल मोमेंटम होगा दैट विल बी ऑल कन्वेड टू द ग्राउंड। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए आपको वी चाहिए होगा, और वी के लिए आप क्या करोगे? नहीं, फर्स्ट नहीं लगेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh लिख दो, है ना? आपको वी चाहिए था, U तो है ही जीरो, इसको मैं लिखता ही नहीं, ये लीजिए दिस इज 2gh, V कितना है रूट 2gh, आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2g 10 लेने को बोला है उन्होंने, h इज 80 मीटर, एक जीरो एक और जीरो, 2 8s are 16 अंडर द रूट। चेक करिए कोई गलती तो नहीं हुई, 16 का रूट कितना होता है? वेरी नाइस, 4 meters per second आ गया ये बेटा। फाइनल मोमेंटम आपके डंबल का कितना होगा डियर चिल्ड्रन? यस, एम इंटू वी, एम कितना था 10, वी कितना है 4, 40 kg/s मोमेंटम आपका डंबल ट्रांसफर कर देगा ग्राउंड को। चेक करो पुत्र आंसर्स बेटे, आप मैच कर लेंगे साथ साथ, एक्सरसाइज के एंड पे आपको आंसर्स दिए होते हैं, यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बेटा, राइट बेटे? चलिए देन बेटा, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए भी छोड़े हैं बीच में, ये 11 नंबर हमने कर लिया कि देखो जरा 11 नंबर मुझे लग रहा है कि किया हुआ है हमने 11 नंबर प्रॉब्लम, नहीं किया, किया हुआ है, ओके। और 8 नंबर, ओके, 6 नंबर, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए देन, दो प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए भी छोड़े हैं ताकि आप भी आराम से बैठ के कर सको, ठीक है बेटा? अब ये एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम सारे खत्म कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 9 आपको दिया गया है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। मास एम है, वेलोसिटी वी है, मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी, नथिंग डिफिकल्ट इन इट बेटा। देन ये क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखिए, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद द स्टिक
dust comes out of it explain. When a carpet is beaten with the stick, the dust comes out explain. उसको नीचे करके बोल दो. हाँ जी. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया. अब बैठिए. इसमें बेटे आपको ये लाइन जरूर मेंशन कर देनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. बहुत अच्छे बेटे, बाकी आपका सब ठीक है. सो वी विल राइट दैट बेटा, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, द कारपेट कम्स इन मोशन and dust remains at rest and hence comes out beta. तो ये बेटा चीज है. इसके बाद आइए बात करके देखें आगे. Why it is question number 3 बेटे बोल रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थ्योरी बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope बेटा. बस की रूफ पे आपको लगेज को एक रोप के साथ टाई करने को लिए बोला जाता है. व्हाई इट इज सो बेटा, आप बताओगे? बोलो बेटे, बैठिए. हाँ जी, इनर्शिया ऑफ मोशन ठीक है, तो मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी कह सकता हूँ, डायरेक्शन भी बेटे कह सकता हूँ. अगर आपकी नहीं कह सकता वो क्यों भाई? अगर मान लीजिए बस पे आपने अपना टाई नहीं किया, बस सडनली मूव करना स्टार्ट कर देगी, वो पीछे नहीं गिर जाएगा? या बस ऑलरेडी मूव कर रही है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो आगे गिर जाएगा. अगर बस काफी स्पीड पे जा रही है, ड्राइवर ने टर्न किया, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आ जाएगा. इसमें तीनों ही आ जाएंगे आई थिंक बेटा. कर दीजिए अब एक्सप्लेन देन. हाँ हाँ, हाँ जी ठीक है. यस बेटा, ओके बेटे, वेल पनिका. यस पनिका बेटा, व्हाई इट इज एडवाइज टू होल्ड द लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बस और द कार विद द हेल्प ऑफ ए रोप बेटा. पनिका. Yes, sir. When the luggage is placed on the roof of a bus, which is initially at rest, then the acceleration of the bus in the forward direction will exert a force on the luggage. And in the similar manner, when a bus which is initially in a state of motion, that suddenly come to rest due to the application of brakes, a force that is in a forward direction is exerted on the luggage. And देखो बच्चों, आप लोगों को समझ होना जरूरी है. इसमें आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगा और बेटे इनर्शिया ऑफ मोशन भी आ जाएगा. तीनों ही इन्वॉल्व रहेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी लगेज वगैरह है वो बेटे अनटिल द एंड ऑफ द जर्नी सेफ एंड साउंड रहे, वी मस्ट आई इट विद द हेल्प ऑफ ए रोप in order to avoid its skidding off the roof of the bus on account of maybe inertia of rest beta, maybe inertia of motion and maybe inertia of beta direction. So due to all these factors, we always advise to have
the luggage tied with the help of a rope on the roof of the bus beta. Clear beta? So bete मेरी तरफ से एक्सरसाइज मैंने जितना आपको करवाना था करवा दिया. अब आप इसको बेटे कंप्लीट कर छोड़ना. नेक्स्ट वीक आई विल बी सेंडिंग यू द प्लान टू चेक द नोटबुक्स बेटा. रोल नंबर 237 27 अपनी नोटबुक्स पहले चेक करवा लेंगे. बाकी बच्चा कोई पहले नहीं भेजेगा फिर बेटे, नहीं तो मिस हो जाता है. राइट बेटा? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे बेटा. थैंक यू ऑल बेटा.